हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एंड इंस्टा गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विंग्स फैंटम 200 वर्सेस बोट एयरऑप्स 100 के बारे में। इन दोनों ही बर्ड्स की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये म्यूजिक के लिए भी है और गेमिंग के लिए भी। तो म्यूजिक प्लस गेमिंग के लिए आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है देखने को मिल जाएगा। बोट एयरऑप्स 100 की केसिंग आपको सिंपल देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा क्वार्ट शेप में देखने को मिलेगा। और बर्ड्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको सिंपल बर्ड जो है देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको रबर का टिप जो है देखने को नहीं मिलेगा, तो मे बी आपके कान में इजिली जो है फिट न हो। जबकि वहीं पर विंग्स फैंटम 200 आपको केसिंग जो है बहुत ही स्टाइलिश देखने को मिल जाएगी, गेमिंग मोड में देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ इसके बर्ड्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको रबर का बर्ड जो है यूज किया गया, जो कि आपके कान में इजिली फिट हो जाएगा। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेस्ट निकल कर आ जाता है विंग्स फैंटम 200 का यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब बात करें इन दोनों बर्ड्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो बोट एयरऑप्स 100 में आपको 10mm का ड्राइवर जो है यूज किया गया, और उसी के साथ साथ इसमें आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिल रहा है, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो दो माइक जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। और ENX टेक्नोलॉजी जो है यूज की गई, तो इसी की वजह से यहाँ पे आपको ENC का भी सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ इसमें आपको 50ms की लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा, तो लैग फ्री गेमिंग का भी यहाँ पे आप हल्का फुल्का मजा ले सकते हैं। जबकि वही बात करें विंग्स फैंटम 200 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 13mm का ग्रेफाइन ड्राइवर जो है यूज किया गया, और उसी के साथ साथ इसमें भी आपको क्वाड माइक का सपोर्ट मिल रही है, यानी सिंगल बर्ड्स में आपको दो दो माइक जो है देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से कॉलिंग क्वालिटी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और ENC का भी सपोर्ट जो है इसमें भी देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको 40ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी का सपोर्ट जो है दिया गया, तो इससे आप लैग फ्री गेमिंग का भी मजा आप ले सकते हो। और गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आप राइट बर्ड्स को 2 सेकंड तक प्रेस करके होल्ड करके रख दोगे, तो यहाँ पे आपका गेमिंग मोड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करें इनके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। विंग्स फैंटम 200 में आपको टोटल 30 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है दिया गया, और सिंगल चार्ज पे 8 आवर का प्ले टाइम बैकअप मिल जाएगा, और केसिंग में आपको 22 आवर का प्ले टाइम बैकअप जो है मिल जाएगा, और USB टाइप सी का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। जबकि बोट एयरऑप्स 100 में आपको टोटल जो 50 आवर का प्ले टाइम बैकअप दिया गया, जल्दी में हो 5 मिनट चार्ज करोगे तो यहाँ पे आपको 1 आवर का प्ले टाइम बैकअप मिल जाएगा, और इसमें भी आपको USB टाइप सी का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप देखा जाए तो कहीं कहीं बोट एयरऑप्स 100 काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाता है। इनके वाटर रेजिस्टेंस के बारे में, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बोट एयरऑप्स 100 में आपको IPX4 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि विंग्स फैंटम 200 का वाटर रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको IPX5 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। कनेक्टिविटी को देख ले जाए तो बोट एयरऑप्स 100 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, जबकि विंग्स फैंटम का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल सकता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का, क्योंकि गेमिंग के लिए काफी ज्यादा स्पेशली होने वाला है। साथ में अदर स्पेसिफिकेशन को देख ले जाए तो इन दोनों में आपको फुल टच पैड मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से गाने को पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स भी कर सकते हो, कॉल को रिसीव भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ में वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट जो है आपको दोनों बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा, यानी गूगल के साथ साथ सीरी को जो आप इजीली एक्सेस कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा इन दोनों बर्ड्स में। अब प्राइस पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए तो बोट एयरऑप्स 100 की प्राइस है 1299 पे, और ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया जाएगा, जबकि विंग्स फैंटम 200 की प्राइस है 999 पे, और ये अमेज़न पे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो अब देखा जाए कि आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गेमिंग प्लस म्यूजिक को चाहते हो तो यहाँ पे आप बोट एयरऑप्स 100 को परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा और बैटरी बैकअप भी अच्छा निकल कर आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए स्पेशली गेमर्स के लिए कौन सा बेस्ट हो जाएगा, तो वो है विंग्स फैंटम 200, जो कि आपको 40ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से लैग फ्री गेमिंग का आप मजा ले सकोगे। तो यहाँ पे ये परचेस कर सकते हो 999 पे। लेकिन बेस्ट देखा जाए तो बेस्ट दोनों है, लेकिन काफी अच्छा बेस्ट देखा जाए तो बोट एयरऑप्स 100 काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि विंग्स फैंटम 200 में क्या पता आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाए जो कि आपको 250 में देखने को मिल रही थी, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है देखने को मिल सकती। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहां पर हम लोग डिटेल में बातें कर सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग के वीडियो लेके आते रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी ने अनबॉक्सिंग टिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।